हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि किराना दुकान यानी कितना लगाएंगे और कितना पाएंगे, लेकिन कहां पे कितना लगाएंगे और कहां से कितना पाएंगे, ठीक है, ये चीज बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से होने वाली है। तो 5 से 6 मिनट जो भी इस वीडियो का लेंथ होगा, तो उसको आप अगर आपने देख लिया तो आप ये समझ जाइए कि इस तरीके का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में चल रहा है, तो ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। दोस्तों, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि कितना लगाएंगे हम। जैसे किराने की दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं, अगर आपने मूड बना लिया है और किस जगह पे खोलना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कितना आप लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात ये हो जाती है दोस्तों कि आप कहाँ लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि गांव में कुछ दुकानें हम गांव में देखते हैं, जैसे क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो अभी भी गांव में रहती है, ठीक है। हम सभी लोग गांव से आते हैं, जनरली ज़्यादातर लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी गांव से होंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा यार, आप किस गांव से हैं, अच्छा लगेगा हमें जान के कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहली बात कि गाँव में होती है। इसके बाद हम जब जैसे कि मार्केट करने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, यानी बाजार में जाते हैं गांव से बाहर, एक छोटी बाजार होती है, ठीक है, यहाँ पे मतलब सारा कुछ मिल जाता है हमको, ठीक है। और इसके बाद टाउन एरिया होती है। टाउन एरिया का मतलब कि नगर पंचायत, ठीक है, जहाँ पे आबादी ज़्यादा रहती है, लोग ज़्यादा रहते हैं, कंजेस्टेड रहता है, ठीक है, वो भी एक बड़ी मार्केट होती है, हर जगह होती है। इसके बाद आता है सिटी, यानी नगर पालिका, नगर निगम, जो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों बड़ा होता है आबादी के लिहाज से, और लोग चारों तरफ से आते भी हैं, ठीक है। तो चार तरह का, मतलब चार तरह की अगर बिजनेस आप, मतलब चार तरह की जगह आप खोल सकते हैं किराना बिजनेस। अब बात करते हैं यार, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगता है और कितना फायदा हमें होता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही नॉलेज आपको मिलने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप गाँव में स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज लगाना दो जगह है। पहला आपको फर्नीचर में लगाना है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपको, मतलब अगर आप किराने की दुकान खोलना है तो आपको प्रोडक्ट लाना है, यानी कि फर्नीचर बनाना है और प्रोडक्ट लाना है, ठीक है। देखो, गांव में खर्चा कम रहता है, ठीक है, इसलिए अगर आप गाँव में खोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक आपका मान लीजिए रूम हो गया, ठीक है, और वहाँ पे आपने 3 दीवार आपका बसता है, यानी 3 दीवार सामने शटर हो गया या दरवाज़ा, जो कुछ भी हो, सबका अलग अलग हो सकता है, 3 दीवार। अब आपको रैक बनाना है, क्योंकि जो भी आप सामान लाते हैं ना, उसे अगर आप अच्छे से रखेंगे तो दुकान का जो लुक होता है वो अच्छा दिखता है, ठीक है। अब देखो यार, ज़माना बदल रहा है, हर कोई अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहता भी है, ठीक है, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम मतलब अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करें, अच्छा लिखे दुकान, ठीक है। तो यार अच्छा करिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप गांव में करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपको लगभग लग जाते हैं फर्नीचर में, ठीक है, और 25 से 30 हज़ार ही लगभग लगते हैं उस मतलब किराने से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है उसे रखने में, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 50 से 60 हज़ार टोटल लागत। लेकिन 50 से 60 हज़ार में एक अच्छा फर्नीचर आप बना लेंगे और सारे सामान को आप रख लेंगे, यानी आपका पूरा मेल तैयार हो जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है। इसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जो भी बिकेगा फिर अपना आता जाएगा, रहता जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग पहुँचते हैं बाजार में, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा बाजार में, कम से कम दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये आपको लगाना पड़ेगा अगर आप बाजार में हैं। किस चीज़ में? फर्नीचर में, ठीक है, यानी कि जो भी रूम आप लेते हैं उसे आपको फर्नीचर में इतना खर्चा आएगा 40 से 50 हज़ार, और 40 से 50 हज़ार ही आपको आएगा उस प्रोडक्ट को रखने के लिए, यानी सामान खरीदने के लिए, ठीक है, यानी कुल मिला के 80 से 1 लाख रुपये, यानी 1 लाख रुपये अगर आपके पास है तो आप अपने नज़दीकी बाजार में अच्छी खासी किराने की दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट का मतलब ये है कि आप रन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लगा दीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट तो आप बहुत कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत। अब बात करते हैं दोस्तों टाउन एरिया में यानी कि नगर पंचायत में, कितना आप अगर इस जगह पे आप मार्केट में अगर आप चाहते हैं तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना आपको प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले अगर आप उसमें होते हैं तो 50 से 75 हज़ार आपको मतलब लग जाता है फर्नीचर में,
ठीक है, जिसमें से आपका काउंटर हो गया, रैक हो गया, हो सकता है 10-20 हज़ार रुपया इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। और आप जान रहे हैं हर चीज़ की प्राइस बढ़ती और घटती रहती है, फर्नीचर की भी दाम आज के डेट में बढ़ रहे हैं और लगभग लेबर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक आइडिया है तो 10-20 हज़ार इधर उधर हो सकता है। आप एक कमेंट मत करिएगा कि नहीं सर आपने उतना बताया उतने में हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 50 से 75 हज़ार आपको लगता है टाउन एरिया में, और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक लगभग आपको प्रोडक्ट रखने में लग जाता है, क्योंकि टाउन एरिया में है, और टाउन एरिया में सबसे बड़ी बात काफ़ी ज़्यादा दुकानें होती है, तो आपको कंपटीट भी करना है, कंपटीशन भी करना है, तो अगर आप उस लेवल में नहीं होंगे तो आपकी बिक्री डाउन हो जाएगी, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ फाइट करने के लिए चाहिए हमें, कुछ अच्छा दिखने के चाहिए जी, कम से कम हम मार्केट में फाइट तो कर पाएँ, ठीक है। और इसके बाद आता है दोस्तों सिटी में, यानी कि हम सिटी में जब आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये माइंडसेट करके जाते हैं कि हमें कितना है इन्वेस्ट करना है। अब सिटी में भी अलग अलग जगहें होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत जगहें होती है, बहुत जगह बहुत हाई फाई एरिया होता है, तो वहाँ पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कम से कम 25-50 हज़ार रेंट ही देना होगा, ठीक है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 25-50 हज़ार अगर आप किराने संबंधित रेंट देंगे तो कमा क्या पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन वाला बिजनेस तो होता नहीं है। तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए अगर आप सिटी में हैं तो आपको फर्नीचर में तो लगना है दोस्तों, ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपए। अब इसमें बढ़ता घटता रहता है क्योंकि आपके रूम का साइज क्या है, ठीक है, लेकिन मैं सिंगल रूम की बात कर रहा हूँ जो कि 10x12 हो सकता है, 12x12 हो सकता है, ठीक है, 12x15 हो सकता है, मतलब सिंगल रूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा लग सकता है, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट सिटी में आप कितना कर सकते हैं, तो कम से कम दोस्तों 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा शुरुआत में, ठीक है। इसके बाद आप अपना रोलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या खर्च आता है, जैसे खर्च का मतलब ये है कि गाँव में कितना खर्च आता है, बाज़ार में कितना खर्च आता है, टाउन एरिया में कितना खर्च आता है, सिटी में कितना खर्च आता है, किस किस चीज़ का। तो सबसे पहले हम गांव की बात करते हैं कि अगर आप गांव में खोलते हैं तो क्या खर्चा आता है। देखो यार, गांव में ज़्यादातर लोग अपने घर में खोलते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये हो जाती है कि उन्हें रेंट नहीं देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि गांव में कोई किराए पे दुकान तो लेगा नहीं, ज़्यादातर 90% से ज़्यादा चांस यही रहता है कि लोग अपने घर में ही खोलते हैं, ठीक है, यानी रेंट नहीं आपको देना है, कोई GST नहीं, कोई फूड लाइसेंस नहीं, कोई मतलब तामझाम नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, दुकान खोलना है, प्रोडक्ट लाना है, बेचना है, ठीक है, सिंपल प्रोसेस जो अभी तक चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद बाज़ार में अगर आप आते हैं तो भाई आप रेंट देंगे, अगर आपका मकान है तो बात ये अलग है, मैं ज़्यादातर बात वो कर रहा हूँ जो लोग रेंट पे लेते हैं, ठीक है, तो रेंट देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक मतलब जो बिल आपका आएगा वो भी आप पे करेंगे, अगर मान लीजिए इंक्लूड है किराए में तो भी हो सकता है किराया आपका ज़्यादा हो, लेकिन मिला जुला के आपको ये दोनों चीज़ें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टाउन एरिया में आते हैं तो आपको ज़्यादा रेंट देने होते हैं, ठीक है, वहाँ के हिसाब से कुछ एडवांस भी देने होंगे रूम वाले को, हो सकता है 1-2 लाख 50 हज़ार 2 लाख एडवांस भी लगता है, तो वो एक अलग खर्चा हो गया। फिर आप मतलब कम से कम बात करें अगर टाउन एरिया की तो एक सिंगल रूम की तो 2 से 4 हज़ार एक रूम का होता है, अब अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसके बाद GST बनवाना पड़ेगा, इसके बाद फूड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा बहुत खर्चा आपका आता है। इसके बाद अगर सिटी की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रेंट देना पड़ता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बिजली के बिल भी आते हैं, इसके अलावा GST, फूड लाइसेंस, इसके बाद कुछ CA वगैरह, कुछ वकील भी आपको रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी आप GST पे माल मंगाते हैं उसे आप फिल करेंगे हर महीने GST पोर्टल पे, ठीक है, तो इस तरीके का खर्चा होता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें कहाँ पे कितना पैसा मिलता है, इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया और क्या खर्चा हो सकता है ये भी मैंने बता दिया, अगर समझ में आया हो तो यार लाइक करिए, ठीक है। अब बात करते हैं कितना कमा सकते हैं कम से कम मिनिमम उतना लगाने के बाद, जो जो मैंने चीज़ें बताई आपको। तो दोस्तों अगर आप गाँव में हैं तो 10 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं जितना आप लगाते हैं, यानी 25 से 30 हज़ार जो भी आप लगाते हैं उसमें आपको 10 हज़ार रुपया बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाज़ार में हैं तो लगभग 20 हज़ार रुपये आप बचा सकते हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 से 75 हज़ार 1 लाख, ठीक है, 20 हज़ार रुपये तक आप बिजनेस में कमा सकते हैं। इसके बाद करें टाउन एरिया की, तो टाउन एरिया में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये आप
कमा सकते हैं, बिजनेस से 40,000 भी कमा सकते हैं, आपके सेल के ऊपर है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो लंब सम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताई है, ठीक है। बहुत लोग बहुत छोटी जगह पे है लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया किए हैं, अच्छी आबादी भी है वहाँ पे, तो अच्छा इनकम कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं हम अभी। और सिटी में हैं तो वहीं आप बात करें तो 50,000 से 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये महीने तक कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा है, 10,00,000 रुपए मान लेते हैं, सपोज दैट कि आपके पास 10,00,000 रुपए है, और अगर आप एक छोटे से गांव में 10,00,000 रुपए के सामान ला के रख दिए तो कितना कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे, क्या मतलब है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब 10,00,000 रुपए हो गए और ऐसे जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे लोग ही नहीं है, 10-20 परिवार, 50 परिवार है, तो कितना आप कमा लोगे, ठीक है, बात समझिए। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा जगह के ऊपर फोकस होता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल किराने बिजनेस में अगर आप, क्योंकि ये इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, आपको नुकसान के चांस कम होते हैं क्योंकि डेली नीड के प्रोडक्ट होते हैं, नहीं डेली आप कुछ न कुछ आप अर्न करते रहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है कि रोज़ आपकी कुछ न कुछ इनकम होती है, वो फिक्स है, होनी अगर इस तरीके का बिज़नेस आप इन जगहों पर करते हैं। तो एक आइडिया देना था कि इन जगहों पे अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कितना आपका फर्नीचर में इन्वेस्ट होगा, कितना आप प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना आप रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड वाले बटन दबा के। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ आपका कोई सवाल है या किसी प्रोडक्ट को आप रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।